हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन सेकंड में क्या हमारे पास, पहले हम क्वेश्चन बुक में से पढ़ लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पहले क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। उनके पास क्या इक्वल है, रूट्स इक्वल दिए हुए हैं और क्या फाइंड करना है आपने, के की वैल्यू। तो पहले इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है, दोनों क्वेश्चन को करना सेम तरीके से है तो हम करेंगे। अब मैंने इसमें लिख दिया कि हमारे पास मेन मेन चीज़ें क्या गिवन है ताकि हमें क्वेश्चन और क्लियर हो। टू इक्वल रूट्स दिए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन है कि आपको ये चीज़ें दे रखी है, अब आपने क्या निकालनी है, के की वैल्यू। ठीक है, अगर टू इक्वल रूट्स होते हैं तो कौन सी कंडीशन लगाते हैं, हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी, बी पॉजिटिव हो, डी इक्वल टू जीरो और डी नेगेटिव हो। तो अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो रियल रूट्स क्या होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू जीरो हो तो क्या आएंगे, रियल और सेम। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो क्या आएंगे, नॉन रियल, नो रियल रूट्स। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब हमारे पास रूट्स की वैल्यू क्या है, इक्वल, दो रूट्स इक्वल दे रखे हैं तो इक्वल मतलब सेम है, तो सेम रूट कब होते हैं, अगर डी की वैल्यू क्या हो हमारे पास, जीरो। आपके पास ये गिवन है। अगर मैं लिखूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या था, पहले तो आप ये इक्वेशन लिखना जो हमारे पास गिवन थी, 2x² + k + 3 = 0। इसमें से आपको एक तरह से इस k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। ठीक है, और गिवन क्या आपके पास, टू इक्वल रूट्स है, बस ये चीज़ गिवन है। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, अब लिख सकते हो आप टू इक्वल रूट्स, यहाँ पे लिख सकते हो इफ, अगर दो इक्वल रूट्स है तो डी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू जीरो, हमने पढ़ा हुआ है। अगर अनइक्वल रूट्स हैं और रियल और अलग अलग हैं तो डी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता है कि डी की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है b² - 4ac = 0। एक तरह से आपके पास ये गिवन है। ठीक है, अब b² - 4ac की वैल्यू का पुट कर सकते हो, b की वैल्यू क्या है इसमें, x का कोफिशियंट k, उसका क्या करना है स्क्वेयर, और a क्या होता है इसमें हमारे पास x² का कोफिशियंट 2, और c क्या होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू। इस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, 3 इक्वल टू जीरो चल रहा था क्योंकि इक्वल टू जीरो जरूर लेके चलना है। तो उसको सोल्व करेंगे, k का ब्रैकेट में है k² 4 × 8 = 8, 3 = 24। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू जीरो। अब k की वैल्यू, अगर k के, अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब वही यहाँ से कर सकते हैं हम, हाँ क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अब कैसे करेंगे, k² = 24 को उधर लेके तो ये प्लस का बन गया। अब सिर्फ k के निकालने, k स्क्वेयर के नहीं, और स्क्वेयर उधर जाएगा तो किस में बनेगा, इसका अंडर रूट कर देगा। तो जब भी k इधर जाएगा स्क्वेयर और इसका अंडर रूट बनेगा तो हमेशा यहाँ पे प्लस माइनस के लगता है, ये आपने पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या आई, अगर हम इसको फैक्टर स्प्लिट अप करें तो k की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8 और 8 × 3 = 24। अब दो पेयर हैं, दो पेयर बाहर आ सकते हैं प्लस माइनस के, और अंदर क्या रहेगा, 2 × 3 = 6। k की वैल्यू दो आई है, अगर मैं लिखूं, एक k की वैल्यू आई है प्लस के 2√6 और एक k की वैल्यू आई है माइनस के 2√6। ठीक है, प्लस और माइनस क्या आई है, अब हमारे पास लगभग सारी इक्वेशंस में उसकी वैल्यू आ चुकी है कि ये k की वैल्यू आई है। अब और आपने निकालनी भी यही थी कि एक k की वैल्यू प्लस में आ रही है एक नेगेटिव में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट करेंगे इसका, सेम कंडीशन सेकेंड पार्ट में भी है, उसकी सिर्फ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ कि kx (-2 + k)6 = 0। अगर मैं जनरल लिखूँ, इसमें मैंने क्या फाइंड करना है, फाइंड k, और गिवन क्या है मेरे पास, इस क्वेश्चन में भी वही टू इक्वल रूट्स गिवन है। ठीक है, और ये सेकेंड पार्ट है फर्स्ट का। अब मेरे पास ये सारी चीज़ें गिवन है कि दो इक्वल रूट्स दी हुई हैं और मुझे क्या फाइंड करना है, उसका k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, अब चलो करते हैं क्वेश्चन कि हाँ k की वैल्यूज कैसे फाइंड होगी इसमें। अब स्टार्ट करते हैं, अब सॉल्यूशन क्या है इसका, पहले तो मैं इक्वेशन लिखूँगा kx x-2
प्लस के सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले आपके पास जो पिछले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन दी थी वो किस में थी, क्वाड्रेटिक में। क्या है क्वाड्रेटिक में, दिख रही है? नहीं, दिख तो नहीं रही। तो बना सकते हैं, हाँ, क्या सोल्व करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वेयर, के एक्स इंटू टू माइनस के टू के एक्स, और प्लस के सिक्स एज इट इज चल रहा था। ओके, कोई दिक्कत हो नहीं इसमें, ठीक है। अब इसमें के की वैल्यू यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे भी। क्या क्वाड्रेटिक बन रही है? हाँ, बस एक्स स्क्वेयर है, एक्स है और कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्वाड्रेटिक तो है ये। तो बाकी क्या करेंगे, हमारे पास कुछ गिवन है क्वेश्चन में से, तो पहले हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर निकालना चाहें, ताकि हमें आगे यूज़ हो रही है। ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वेयर, ए कितना है के, और बी कितना है कोफिशेंट ऑफ एक्स का मतलब माइनस के टू के, और सी कितने कॉन्स्टेंट सिक्स प्लस के। ओके, तो हमारे पास और कुछ गिवन है, और कुछ कर सकते हैं? नहीं। अब हम जाएंगे गिवन में, क्वेश्चन में क्या था, टू इक्वल रूट्स थी। टू इक्वल रूट्स का मतलब डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसी में इक्वल रूट्स आती है ना, कि सेम रूट्स आती हैं, एक सेम और अगली भी सेम, मतलब एक फोर है तो अगली भी फोर, और उस केस में क्या चलता है, डी इक्वल टू जीरो। अब ये किसकी वैल्यू होती है, बी स्क्वेयर माइनस फोर एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी, माइनस के टू के, माइनस के टू के का होल स्क्वेयर इंटू फोर इंटू ए कितना था के, इंटू में सी कितना था सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, नो डाउट कोई। ओके, अब इसका ओपन करेंगे, माइनस वन का स्क्वेयर प्लस में जाएगा, टू का स्क्वेयर फोर, और के का स्क्वेयर के स्क्वेयर, और फोर इंटू के इंटू सिक्स, तो सिक्स फोर जा 24 इंटू के, 24 के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन इक्वेशन बन चुकी है, इसमें से आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो कैसे करेंगे, इन दोनों में से पहले देखना कुछ कॉमन ले सकते हो, तभी फर्दर आगे कैलकुलेशन चलेगी। हाँ, ये फोर के टेबल में आते हैं, फोर के टेबल में आए, किस पे आता है सिक्स पे, फोर और क्या आ रहा है के स्क्वेयर, और के दोनों में के भी कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों बाहर ले लिए। अंदर फोर के इसमें से कॉमन बाहर आया, तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ के, क्योंकि एक तो के बाहर आ गया था और फोर तो था इसके साथ बाहर। अब ये फोर के इसमें से बाहर आया, तो अंदर किसका रहेगा, सिक्स का मल्टीपल, सिक्स फोर जो 24 होता है, और के इसका बाहर गया सिंगल था, तो इसके पास कुछ नहीं बचा, इक्वल टू जीरो। क्या है, फैक्टर आ चुके हैं? हाँ, फैक्टर मतलब क्या होता है, कोई भी दो मल्टीपल। अब ये एक मल्टीपल है, एक मल्टीपल है, इक्वल टू जीरो है, तो एक बार फोर के को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, एक बार के माइनस सिक्स को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। अब के को इसके जीरो पुट करा, तो के की वैल्यू आ गई जीरो, 0.40 ही होता है, और यहाँ से के की वैल्यू क्या है, इधर गया प्लस के सिक्स, ठीक है। यहाँ पर दो वैल्यू है आपके पास, जीरो और प्लस इक्वल टू प्लस के सिक्स। तो करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का ही क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हमारे पास, पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि उसके स्टेटमेंट में क्या गिवन है। अब हम पढ़ते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। अब हमने एक मैंगो एक तरह से गार्डन मान सकते हैं या बगीचा टाइप, कि हमारे पास पॉसिबल है। उन्होंने कहा है कि इज़ इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का, उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। लेंथ किसके इक्वल है, उसकी ब्रेथ के डबल है, तो आपको ब्रेथ की वैल्यू पता है? नहीं, तो ब्रेथ इसमें क्या मानेंगे, एक्स, ठीक है। और लेंथ क्या हो जाएगी वहाँ पे, लेंथ इज इक्वल टू टू इंटू एक्स, मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ तो आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। और एरिया कितना है वहाँ पे, 800 मीटर स्क्वेयर। फाइंड क्या करना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसको पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास पहले हम लेंथ ब्रेथ को कंसिडर करेंगे, और एक रिलेशन दिया हुआ, लेंथ किसके इक्वल है, ट्वाइस है ब्रेथ के, तो पहले हमें ब्रेथ पता होना जरूरी है, तभी लेंथ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ में आएगी, ठीक है। तो पहले हम कंसिडर करेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है लेंथ उसकी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो पहले हम एक तरह से ब्रेथ भी पता करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम पहले इसको लिख नहीं सकते, तो पहले हम एक तरह से स्टेप में ब्रेथ को फाइंड कर लेते हैं, ब्रेथ ऑफ किसकी, रेक्टेंगुलर प्लॉट की कितनी है एक्स, और ये कितनी थी लेंथ, लेंथ कितनी थी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ कितनी थी एक्स, टू एक्स, क्योंकि तभी हमने ये पहले लिखनी चाहिए थी, ठीक है। तो आपके क्लियर हो चुका कि क्या पहले आना था और क्या बाद में, जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या फाइंड करना है। और एरिया था हमारे पास गिवन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना था हमारे पास, 800 मीटर स्क्वेयर, इनमें मीटर लगा लेना क्योंकि लेंथ हमेशा मीटर्स में चलती है और एरिया हमेशा मीटर स्क्वेयर्स में, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ इंटू
ब्रेथ किसके इक्वल आओ, 800 के इक्वल। लेंथ क्या थी हमारे पास, 2x, और ब्रेथ कितनी थी हमारे पास, सिंपल x इक्वल टू 800। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 2x इंटू x, 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 800। अब आपने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि तभी लेंथ ब्रेथ आएगी ना। अब 2 उधर चला जाएगा 800 के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई होके मतलब ये नीचे गया, तो क्या आएगा कैंसिल आउट करके, 400। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई है, 400, मतलब 400। अब सिर्फ एक्स की निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको हम राइट हैंड साइड में लेंगे, 400 किसके, प्लस माइनस के, कि जब भी आप इसको रूट में करोगे तो प्लस माइनस लगाना मत भूलना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, अगर मैं यहीं पे बनाना चाहूँ, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आप पे यही आएगा, मतलब एग्जैक्ट यही नंबर आएंगे, ठीक है। अब इनमें से देखना पेयर बन रहे हैं, जो पेयर बन रहे हैं उनको बाहर ले लो, एक ये है और एक 2 का ये है और एक ये, सबके पेयर आ रहे हैं तो दोनों बाहर आ सकते हैं। बस आपको ऐसे करके नहीं दिखाना, एग्जाम में आप सिंपल बाहर ले सकते हो, प्लस माइनस के, एक तो 2 का आ रहा है और एक 5 का पेयर आ रहा है और एक 2 का आ रहा है, और रूट में कितना बचा, कुछ भी नहीं, तो 1। तो रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आई, 5 2 10, 10 2 20, ठीक है। एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस के 20, और रूट 1 की वैल्यू 1 ही चलती है, तो एक बार एक्स की वैल्यू आई है प्लस के 20 और एक एक्स की वैल्यू आई है के 20, ठीक है। एक्स की दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमने देखे ना कौन सी वैल्यू ले, हमारे पास एक्स क्या था, अगर हम जनरली देखो, एक्स थी आपके पास ब्रेथ या फिर लेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो क्या ब्रेथ और लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं। तो जो ये वैल्यू है ये क्या होगी, रिजेक्ट, सिर्फ पॉजिटिव वाली एक्सेप्ट होगी। तो ब्रेथ आ चुकी है आपके पास किसकी, रेक्टेंगुलर प्लॉट की 20 मतलब एक्स, और लेंथ कितनी थी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मतलब 2 इंटू 20, वो कितनी आई है, 40। बस आपके पास यही मीटर्स में निकालनी थी आपने, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3rd भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का ही क्वेश्चन नंबर 4th। अब क्वेश्चन 4th की स्टेटमेंट क्या है, तो पहले हम बुक में से वो पढ़ लेते हैं कि उस स्टेटमेंट में गिवन क्या है हमारे पास। इसमें दिया हुआ है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, जो नीचे सिचुएशन से क्या वो पॉसिबल है वो आगे पढ़ के पता चलेगा। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर जो भी नीचे कंडीशंस दिया अगर वो पॉसिबल है तो हमने उनकी एजेस निकालनी है, मतलब उनको सोल्व करके उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन मतलब क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, मतलब उन दोनों की एज का सम कितना है, 20 ईयर्स। मान लेते हैं हम एक फ्रेंड की एज थी एक्स और एक फ्रेंड की एज थी वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना है, 20, ठीक है। अब 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, अब 4 साल पहले उनकी कुछ एज होगी, ठीक है, जो उनकी प्रोडक्ट है अब 4 साल पहले की एजेस का वो किसके इक्वल है, 48, ठीक है। तो जनरली इस क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, अगर मैं समझूँ कि हमारे पास सम दिया हुआ है 2 पर्सन की एज का, वो कितना है हमारे पास, 20, मतलब कि एक एक्स और एक वाई दोनों का सम कितना है, 20। और इन्होंने क्या है कि 4 ईयर्स अगो जो प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों की एज का, 4 ईयर अगो की, वो कितना है हमारे पास, 48, ठीक है। जनरली ये दो कंडीशंस हैं, छोटी छोटी से मोटे तरीके पर समझने के लिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले इसमें हम कंसिडरेशन करेंगे कि उनकी एजेस कितनी थी उन दोनों फ्रेंड्स की। तो हम पहले क्या कंसिडर करेंगे, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, मतलब फर्स्ट जो फर्स्ट वन था कितनी है उसकी एज, एक्स ईयर्स, क्योंकि हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं पता, एक्स ईयर्स है। और उसके अदर फ्रेंड की, जो उसका सेकंड दूसरा फ्रेंड था, उसकी एज कितनी है, वाई ईयर्स, ठीक है, कुछ एज होगी। अब इन्होंने क्या है, कंडीशन दी हुई है कि 4 ईयर्स हो जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट होएगा वो कितना होएगा, 80 ना, 48, सॉरी। ये आपको सिर्फ समझने के लिए था कि क्वेश्चन में ओवरव्यू कैसे लेना था, तो आप लिखोगे 4 ईयर्स एगो, ठीक है। तो जनरली आज मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी आज एज 10 ईयर्स है तो 4 साल पहले आपकी एज कितनी होगी, अगर आज 10 है तो 4 साल पहले कितनी होगी, 6, मतलब 4 माइनस करे 10 में से तभी पता चला ना। अगर वही आपकी एज आज 50 है तो 4 साल पहले कितनी होगी, 46, और अगर 4 साल बाद की बात करें तो 54, तो बस उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले की है, मतलब एगो की बात हो रखी है, तो
चार साल पहले की एज कितनी होगी? जो वन फ्रेंड की एज, जो फर्स्ट वन वाला फ्रेंड था उसकी एज कितनी होगी? एज ऑफ कितनी होगी फर्स्ट फ्रेंड की एज? एक्स माइनस 4 ईयर्स, उसमें से चार कम, उसकी एज में से 4 लेस हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास सेकेंड वन का फ्रेंड था उसकी कितनी एज होगी? वाई माइनस 4, क्योंकि 4 साल पहले उसकी एज इतनी है रहेगी, ईयर्स ईयर्स दोनों एजेस थी हमारे पास, ठीक है। और कंडीशन क्या थी? उनका प्रोडक्ट, या यहाँ पे लिखो पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहते हैं हमारे पास? तो इस कंडीशन के लिखने के पहले पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे चल रही है। तो पहले तो हम यहाँ पे सिंपल लेके चलते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है। एक्स माइनस 4 वाई माइनस 4 किसके इक्वल था प्रोडक्ट? 48। अब आपको ये तो समझ आ गया कि हाँ, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ये सोल्व कर सकते हो, बट नहीं, क्यों? ये एक्स है और ये वाई है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो क्या हम वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास ये इक्वेशन थी कि सम दोनों का कितना था, एक्स प्लस वाई कितना था? 20। तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर रफली निकाले एक्स प्लस वाई कितना था? 20। तो वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कितना आ गया? 20 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसको कहाँ पुट करना है? यहाँ पर बस आप पुट कर सकते हो एक्स माइनस 4, इसकी वैल्यू को पुट करा वाई की, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन अभी चल रहा है। अब फर्दर आपके पास कैलकुलेशन रह चुकी है कि आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब इसको पहले सोल्व कर देंगे इसी हुए ब्रैकेट को, इसमें पूरा सोल्व हो रहा है। तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से 16x, फर्स्ट को लास्ट से माइनस के एक्स स्क्वेयर, और सेकेंड को फर्स्ट से माइनस 4 इंटू 6 माइनस के 64, और लास्ट को लास्ट से माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 48 आपका चले रहा था। अब इसको सोल्व करके लिख सकते हो, माइनस के एक्स स्क्वेयर आके लिख दो, 16 प्लस 4 प्लस के 20x माइनस के 64, और 48 को भी इधर लिया हो, माइनस के 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है अभी कि इसमें आपके पास ये कंडीशंस आ चुकी हैं। अब आगे क्या करना है हमने? अब आगे इसकी फर्दर कैलकुलेशन है, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20। अब 64 माइनस ये क्या आएगा? माइनस के 112 इज इक्वल टू 0। तो ज़्यादातर जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, ज़्यादातर जो आपने पढ़ी है, जो स्टार्टिंग की एक्स स्क्वायर होती थी वो ज़्यादातर पॉजिटिव होती है, ज़्यादातर क्या, हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? माइनस वन से मल्टीप्लाई। जब हम पूरी इक्वेशन को माइनस वन से जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, बस हमने इकट्ठा ही कर दिया। तो माइनस वन से दे गया माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स था, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस के 20x, और माइनस माइनस प्लस के 112 इक्वल टू 0। अब माइनस 1 इंटू 0 0 ही हो गया, ठीक है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके हमने क्या फाइंड करने हैं? अब अगर हम जनरली देखें, रूट्स फाइंड करना है, तो रूट्स फाइंड करने से पहले हमें जनरली पता है कि हम उसको अब क्या हमने इसके चेक, क्या चेक करना है? रूट। उससे रूट चेक करने से पहले हम पहले क्या चेक करेंगे? बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू, कि वो आपके पास उसकी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, मतलब वो रियल आनी चाहिए, नॉन रियल, ठीक है। तो यहाँ से पहले abc की वैल्यू निकाल लो। a क्या होता है? कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वेयर, 1। b क्या? कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस के 20। और c क्या? कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो, b की क्या वैल्यू है? माइनस के 20 का स्क्वेयर और 4ac। अब 4ac आया हमारे पास कि 4ac कितना है? a कितना है? 1, और ये कितना है? 112, ठीक है। 20 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, 400 माइनस 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 1 1 12 कितना आएगा? 8 4 और 4। अब ये इसकी वैल्यू कितनी आई है? माइनस के 48। क्या 48 पॉजिटिव है, 0 के इक्वल है, नेगेटिव है? ये नेगेटिव वैल्यू है। तो डी की वैल्यू क्या आई है आपके पास? अगर मैं जनरली लिखूँ नेगेटिव, तो क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? नहीं। तो इसके जो रूट्स होंगे आर नॉन रियल, ठीक है, मतलब रियल नहीं होंगे। तो इसको आगे फर्दर करने की, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना ही क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके आगे रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे, उसके नॉन रियल आगे, तो नॉन रियल तो नंबर होते ही नहीं कुछ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4th भी कम। क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सरसाइज 4.4।
अब क्वेश्चन फिफ्थ में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये, इन्होंने कहा इट इज़ पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर कितना है 80 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर दिया हुआ है 80 और उसका एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, और इफ़ सो फाइंड क्या करना है हमने उसकी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, एक पैरामीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, हमने उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, अगर मैं सिंपल थोड़ा रफली कर लिखूँ, हमारे पास पैरामीटर दिया हुआ है कितना 80 मीटर और एरिया दिया हुआ है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर की फिगर कैसे होती है, एक रेक्टेंगुलर कोई भी पार्क था उसकी फिगर गिनेगी, लेंथ की मान लो कुछ भी एक्स और ब्रेथ को मान सकते हैं वाई, तो उसके सामने वाली, इसके सामने वाली एक्स और इसके भी सामने वाली क्या आएगी वाई, सॉरी वाई। ठीक है, अब पैरामीटर का मतलब क्या होता है, तो पहले आपको पैरामीटर का मतलब क्लियर होना चाहिए कि उसकी जो सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री को जो भी हम ऐड करके हमारे पास जो भी लेंथ आएगी वो उसका पैरामीटर होता है। ठीक है, तो पैरामीटर तो ऐसे निकलता है, और एरिया कैसे निकलते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ, उन दोनों को माइनस करके जो भी हमारे पास आएगा वो आपका पैरामीटर होगा ना, एरिया होएगा सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेथ को पहले बताना पड़ेगा, लेट लेंथ, लेंथ कितनी है हमारे पास ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, कितनी है माननी है हमने एक्स मीटर, और सिमिलरली ब्रेथ कितनी आई हमारे पास, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वाई मीटर। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन से लिख दी कि एक्स और वाई हमने जो ऊपर मानी थी, और इसमें लिख सकते हो रेक्टेंगुलर पार्क, ताकि और क्लियर हो कि हाँ रेक्टेंगुलर फिगर थी। पैरामीटर कितना था 80, अगर मैं पैरामीटर लिखना चाहूँ तो कितना आएगा 80 मीटर। ठीक है, ये पैरामीटर का फॉर्मूला है, इसको पूरा लिख सकते हो, पूरा लिख दो पैरामीटर, ये पैरामीटर है, पैरामीटर का क्या होता है सारी साइड्स का सम, तो ये कितनी है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, अगर जनरली आप इसका फॉर्मूला भी होता है वैसे 2x + y का, अभी इसको बता रहे हैं ये फॉर्मूला भी यहीं से बना हुआ है, तो हम सारी साइडों को ऐड करेंगे x + y + x + y x + y + x + y इज इक्वल टू कितना 80। अब 2x आ रहा है तो 2x कर लिया, 2y आ रहा है वो भी 2y ऐड हो गया इक्वल टू 80। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x + y इज इक्वल टू 80। देखना आपका ये फॉर्मूला दोनों सेम बने हैं, पैरामीटर का ये होता है 2l + भी, वहाँ पे बस लेंथ और ब्रेथ आती है, तो आपके पास ये बन गया, तो x + y कितना आ गया यहाँ से 2 इसके नीचे चला गया, 80/2 किसके इक्वल आ गया 40 के, तो x + y इज इक्वल टू 40, ये एक इक्वेशन आई है आपके पास। ओके, और यहाँ से अगर मैं जनरली कहूँ यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई है 40 - x, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि आप a की वेरिएबल लेके चलोगे। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन तो होगी, अब सेकंड कंडीशन क्या थी एरिया, इसको अगर थोड़ा सा पॉइंट से लेके समझे कि एक था पैरामीटर एक था एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना था हमारे पास 400 मीटर स्क्वेयर। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x into y इज इक्वल टू 400, x into y क्या हो गया xy इज इक्वल टू 400। अब आप देखोगे कि xy 400 आ गया, अब अलग अलग वेरिएबल है सोल्व हो नहीं रहे, क्या हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x है, हाँ इस इक्वेशन से, तो उसको कहाँ पुट करेंगे यहाँ पर ले आएंगे इसको पुट करने के लिए, एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे 40 - x या कहीं इन टर्म्स ऑफ x, अब इसको सोल्व कर सकते हैं 40 - x - x² = 400। ठीक है, अब सारी इक्वेशन को उधर ले जाओ क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक बनानी है, तो उधर लेके क्या आया इक्वल टू जीरो इधर चल रहा था 400 + x² और 40 - k कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखे इससे, मतलब जैसे मर्जी करके इक्वल को जीरो उधर करके x² - 40x + k 400 = 0। ठीक है, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अब आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं इसके रूट्स फाइंड करने के लिए, तो मैं जनरली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा क्योंकि वो थोड़ा इजी भी है और चैप्टर में भी वही वर्क करता है ढंग से। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आई है, ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आई है x² - 40x + 400 = 0। अब मैंने उसके क्या फाइंड करने हैं रूट्स, तो मैं रूट कैसे फाइंड करूंगा, तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसके में क्या चाहिए होती है हमारे पास ए बी सी की वैल्यू, तो पहले मैं ए बी सी की वैल्यूज निकालूंगा,
एबीसी की वैल्यूज निकालने के लिए पहले मैं किस इसको किसके साथ कंपेयर करूँगा, कंपेयर इट विद किसके साथ, ए एक्स स्क्वेयर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वेयर कोफिशियंट क्या ए और इसमें एक्स स्क्वेयर कोफिशियंट क्या वन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई वन। सिमिलरली एक्स का कोफिशियंट क्या बी और इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या माइनस के 40, बी कितना आ गया माइनस 40। और सी कितना है हमारे पास 400, कॉन्स्टेंट की वैल्यू एज इट इज रख दी मैंने। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू आ गई तो उससे पहले मैं चेक कर लूँ अगर बी स्क्वेयर माइनस 4AC नॉन रियल वैल्यू तो नहीं है, तो पहले मैं कैसे चेक करूँगा, बी स्क्वेयर माइनस 4AC की वैल्यू अगर मैं रूट में भी चेक करूँ तो कैसे आएगी, बी की वैल्यू क्या थी माइनस के 40 का होल स्क्वेयर, ये रूट में चली रही थी, और माइनस के 4 × 1 × में 400। ठीक है, अब माइनस के 40 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा हमारे पास 400, वो भी प्लस के क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, और नहीं 16 आएगा, 4 × 4 = 16, ठीक है ना, 4 × 4 = 16 होता है, 400 तो उसका 20 का होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 4 × 1 = 1, और 4 × 400 कितना आएगा, ये भी आएगा 1600। तो 1600 माइनस 1600 रूट के जीरो, मतलब इसकी वैल्यू आई है जीरो, मतलब इसकी वैल्यू आई है जीरो। तो क्या ये जीरो है, मतलब क्या ये रियल है, हाँ। क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आई, नहीं, तो इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो क्या होंगे, वो हम फाइंड करेंगे आगे, और वो अब हम लगा सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4AC अपॉन में 2a। एक्स की वैल्यू को लिखेंगे माइनस बी कितना था हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी थी 40, माइनस के 40 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी 0, अपॉन में कितना था 2, ए कितना था हमारे पास 1, तो माइनस माइनस प्लस 40/2 एक्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, उसको इस कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर आ गया एक्स की वैल्यू 220, तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है 20। ओके, तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, एक्स क्या थी हमारे पास अगर जनरली बताएं लेंथ, तो लेंथ तो आ चुकी है मतलब एक्स 20, और ब्रेथ क्या मानी थी हमने अगर जनरली से बताऊं, वाई, क्या वाई की वैल्यू अभी भी इन टर्म्स ऑफ एक्स दी हुई थी, हाँ, उस इक्वेशन में वाई इज इक्वल टू हमारे पास था 40 माइनस के एक्स, पैरामीटर से आई थी इक्वेशन, तो वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स थी, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 माइनस एक्स। ठीक है, 40 माइनस के एक्स, एक्स कितना है हमारे पास 20 माइनस के, तो 40 माइनस 20 ये भी कितना है 20, तो दोनों ही 20 है, लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20, तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और लास्ट में आप ये भी बताओगे कि हाँ, जो इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो हमारे पास फिगर थी या जो भी हमारे पास कैलकुलेशंस थी वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी होगा था कि इज इट पॉसिबल, तो हाँ यस इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट हो चुका है और आपका चैप्टर नंबर 4 भी इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका क्वेश्चन चैप्टर में या इस चैप्टर में या इनके क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। You can't say anything.